हेलो, फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में मैं ओपी सैनी सर आज चैप्टर 2 करा रहा हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको नंबर दिए हुए हैं, उन सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट नंबर है 2864325। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेट को लिखते हैं, इसके बाद कितने डिजिट हैं ये देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ आप 70 पुट कर देंगे, प्लस नेक्स्ट डेट 8 है, इसके आगे आप देखें तो 3 डिजिट हैं, तो वो 6 डिजिट हैं, तो आप 60 पुट करेंगे। फिर नेक्स्ट डेट है आपकी 6, इसके आगे 5 डिजिट हैं, तो आप 50 लगाएंगे। फिर आपकी 4 है, इसके आगे 4 डिजिट हैं, तो 40 लगा देंगे हम। इसके बाद है 3 के बाद 3 डिजिट हैं, तो 30 हो जाएंगी। फिर 2 डिजिट हैं यहाँ पर, फिर 6, इसके आगे 1 डिजिट है, और ये 5। इस तरह से जितने भी नंबर दिए हुए हैं आप सब इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकेंड है शॉर्ट फॉर्म में, ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में वर्ड्स में दी हुई है। जैसे दिया 510 यानी 50 करोड़, और प्लस 3 करोड़ है, तो कितने हो गए, 50 + 3 यानी 53 करोड़। ये पार्ट में करोड़ में आ गया आपके 53। अब इसके बाद आते हैं लेक में है 410 और 2, 410 यानी 40 जा और 2 लाख, ये तो यानी 42 लाख। फिर है 1000 में 6 10000 और 9000, तो 6 10 जा 60 + 9 69000। फिर 900 4 10s 2 1s, इस तरह से इसका ये पार्ट हो जाएगा। ऐसी बी पार्ट देखिए, 7 10s करोड़ और 9 करोड़, तो 79 करोड़ हो गई है आपकी। इसके बाद है 5 10s लाख और 6 लाख, तो ये हो जाएंगे 56 लाख। 2 10000 एंड 6000, दैट इज 26000। 900 0 10s यानी 0 लिख देंगे एंड 2 1s, इस तरह से हम इनको लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये नंबर दिए हुए हैं वर्ड्स में, इनमें कितनी डिजिट होंगी, 78 लाख 5, यानी लाख पे जाकर पहुंचते हैं तो हम कितनी डिजिट हो जाती हैं, इसमें हो जाती हैं आपकी 7 डिजिट। आप देख लें, जब लाख पे आप जाएंगे तो आपकी 7 डिजिट होंगी, 1 10 100 1000 10000 लाख 10 लाख, ठीक। और इन्होंने क्या दिया है, 78 लाख, यानी 10 लाख में आएंगे, तो ये आप गिन लें 7 डिजिट्स होंगी। बी में है 6 करोड़, अब आ गए हम करोड़ पर, यहाँ तो होगी 8 डिजिट्स। सी में है 90 करोड़, अब इसमें और आगे पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपकी 9 डिजिट्स, इस तरह से हम इसको पूरा कर लेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म ही लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में शॉर्ट फॉर्म है, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए एक बता देते हैं हम आपको, 7 के आगे हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 0, अब काउंट करेंगे तो यहाँ आपकी 60 है, प्लस 5 के आगे 50 है, प्लस 4 के आगे 40 है, प्लस 3 के आगे 30 है, और 2 के आगे 2 और 1 के आगे 1 और प्लस 8। अब देखो क्या करेंगे, एक तो इसका सिंपल तरीका ये, इनको एक दूसरे के ऊपर लिख लो और ऐड कर लो, अदरवाइज हम 0 देखते हैं तो देखिए क्या है, 0 आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है, कोई नहीं है, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूस 0 है, तो क्या होगा, 7 होगा, इसके आगे 5 होगा, इसके आगे 4,
3218 ये नंबर आपका हो जाएगा। इस तरह से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। अगर जीरो आपकी मिसिंग में आती है कहीं तो आप उसकी जगह पर जीरो लिख देते हैं। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चंस को आप इसमें कर सकते हैं। थैंक यू।